Assalamu Alaikum dear class I am your computer teacher Ms Samina Sahar This is our first lecture Students open up open up your book chapter number 1 and page number 2 as you seen in the picture I am going to read this page for you The word computer came from compute लफ्स कंप्यूटर कंप्यूट से निकला है विच मीनस टू कैलकुलेट जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच कैन रिसीव डाटा जो कि डाटा को रिसीव करती है हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे बोलते हैं डाटा रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक ख़ास हदायत के मुताबिक काम करती है रिस्पोंड करती है एंड प्रोग्राम और एक काम को एक प्रोग्राम को चलाती है कंप्यूटर इज़ एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा तेज है इट कैन कैरी आउट हंड्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मिनट यानी कि एक मिनट के अंदर वो हज़ारों जो हदायात हैं उनके ऊपर अमल कर सकती है डज नॉट मेक मिस्टेक्स यानी कि इंसान जब कोई काम करता है तो वो उसके अंदर गलतियाँ कर सकता है लेकिन वही काम अगर हम कंप्यूटर को करने के लिए कहते हैं तो कंप्यूटर चूँकि एक मशीन है वो मिस्टेक्स नहीं करता इट फॉलो इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शनस को फॉलो करता है जो हम उसे हदायत देते हैं एंड ओनली डज वट इज़ टोल्ड और सिर्फ वही काम करता है जो हम उसको बताते हैं वो अपने से जो है वो काम नहीं करता इट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इट्स इन इट्स मेमोरी हम इंसान हैं हम अपने माइंड के अंदर थोड़ी सी चीज़ें महफूज कर सकते हैं और वक्त के साथ साथ अगर हम उन्हें रिपीट ना करें तो वो भूल जाती हैं लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो उसके अंदर हमेशा महफूज रहता है जब तक कि हम उसे खुद से डिलीट नहीं कर देते इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग हम जब काम करते हैं थोड़ा सा काम करके तीन चार घंटे पाँच घंटे के बाद हम थक जाते हैं लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है उसको आप घंटों भी काम करने के लिए एक बार काम करने के लिए बार 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 भी उसे कहें अगेन एंड अगेन भी कहें लेकिन कंप्यूटर ना तो फेडअप होता है ना वो बोर होता है और ना ही वो थकता है और वो कंटिन्यूसली जो है वो काम कर सकता है जी अब आप अपनी नोटबुक्स ओपन करें और जो मैंने आपको पेज की रीडिंग करके बताई है उसको मैंने कुछ क्वेश्चन में चेंज कर दिया है पहला क्वेश्चन जो आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है वो है डिफाइन द वर्ड कंप्यूटर उसका आंसर है द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट यानी कि लफ्स कंप्यूटर कंप्यूट से निकला है जिसका मतलब है कैलकुलेट करना इसे आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वट इज़ कंप्यूटर उसका जवाब है उसका आंसर है अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यानी कि ऐसी मशीन जो बिजली से चलती है विच एक्सेप्ट डाटा जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है एज इनपुट यानी कि जो डाटा हम उसे देते हैं उसे इनपुट कहते हैं प्रोसेस द डाटा उस डेटा को प्रोसेस करती है उसके ऊपर काम करती है यूजिंग प्रोग्राम प्रोग्राम्स के ज़रिए एंड गिव्स आउटपुट और हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है दिस इज़ द कंप्यूटर डेफिनेशन इसे आप लोग अपनी नोटबुक्स में नोट no डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू ये आज आपका लेक्चर है इसको आपने लर्न करना है अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करना है एंड वेरी नेक्स्ट डे मैं आपकी इससे जो है वो असेसमेंट लूँगी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है इस रेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मुझे इससे इसके सवाल पूछ सकते हैं चिल देन अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा एंड डू योर वर्क प्रॉपरली